नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल ब्लू इंडिया। मैं आपके साथ दामिनी माहौर। नोटबंदी के बाद देश के सारे लोग वापस पटरी पर आने की कोशिशें कर ही रहे थे कि फिर ये नागरिकता संशोधन कानून आ गया। नागरिकता संशोधन कानून के आने से आम नागरिकों की जिंदगी तहस नहस हो रही है, चाहे वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं या नहीं भी हो रहे हैं। प्रोटेस्ट की वजह से सरकारी संपत्ति को जितना नुकसान हो रहा है, उतना ही नुकसान आम जिंदगी पर भी पड़ रहा है। और इन सबके बीच एक सबसे शर्मनाक बात ये हुई है कि एक 1.25 साल की बच्ची चंपक भूख से बेहाल है और उसकी माँ और पिता जेल में बंद है। वाराणसी का एक दंपत्ति 1.25 साल की बच्ची को छोड़कर 19 दिसंबर को नागरिकता कानून का विरोध करने गया। विरोध के दौरान उन्हें पहले हिरासत में लिया गया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तब से आज तक बच्ची को अपने माता पिता का इंतजार है। ये घटना वाराणसी के महमूरगंज इलाके के शिवाजी नगर की है। इस मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अफसोस जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि एक परिवार का 1 साल का बच्चा अकेले है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन की ये सजा, सरकार का व्यवहार हद से बाहर हो चुका है। 1.25 साल की बच्ची को 19 दिसंबर से अब तक माता पिता का इंतजार है। इसके माता पिता एक्टिविस्ट हैं और वाराणसी में पिछले 19 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में शरीक होने शहर के बिनियाबाग इलाके में गए थे। यहां से पुलिस ने करीब 70 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इसमें बच्ची की माता एकता और पिता रवि शेखर भी शामिल थे। गिरफ्तार हुए एक्टिविस्ट दंपत्ति रवि शेखर और एकता शेखर के अलावा उनके घर में बूढ़ी माँ, बड़े भाई और भाभी ही रहते हैं। दंपत्ति के जेल चले जाने के बाद बच्ची की सारी देखभाल की जिम्मेदारी बूढ़ी दादी और बड़ी माँ पर आ गई है। बड़ी माँ देवोरिता का कहना है कि रवि और एकता 19 दिसंबर को ये कहकर गए थे कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं और आते वक्त बच्ची के लिए डायपर और दूध लेकर आएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि शाम होते होते दोनों की गिरफ्तारी की खबर उन तक आ जाएगी। दादी शीला तिवारी ने भी कहा कि बच्ची अभी भी अपनी माँ का दूध पीती है और माँ के ना रहने पर उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है, उसका वजन गिर रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बच्ची के स्वास्थ्य के लिए आगे डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ सकती है। रवि शेखर के बड़े भाई शशिकांत बताते हैं कि रवि और एकता दोनों ही पर्यावरण के बचाव के लिए स्वयंसेवी संस्था चलाते हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इन्हें कई सरकारी और गैर सरकारी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि 19 दिसंबर को बाकी सभी लोगों के साथ इन दोनों लोगों को भी धारा 151 के तहत हिरासत में लिया गया था, लेकिन अगले दिन अन्य धाराएं लगाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। बताते हैं कि ये समझना काफी मुश्किल है कि आखिर क्यों लोअर और सेशन कोर्ट से उसकी जमानत याचिका खारिज हो गई। सर्दी की छुट्टियों के चलते कोर्ट ने अगली तारीख 1 जनवरी को दी है और ये एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि उस दिन जमानत मंजूर हो जाए। और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल ब्लू इंडिया के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।